डाटा इसरो को हासिल हुए हैं, जिसे आज इसरो ने एटलस के जरिए जारी किया। मुझे पूरा विश्वास था कि मॉम कभी निराश नहीं करती है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में एक ऐसा दिन रहा जिस दिन दुनिया ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का लोहा माना। पहले ही प्रयास में मंगलयान को लाल ग्रह पर भेजने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। इसरो के मुताबिक मंगलयान में अभी पर्याप्त ईंधन है और ये कई सालों तक लाल ग्रह के चक्कर काटता रहेगा। इसके पांचों पेलोड भी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। इस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग वहाँ गए, फर्स्ट कंट्री थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में वहाँ गई, तो वो डेटा एक्सेस करके उसको इस्तेमाल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित होने के दूसरे दिन यानी 25 सितंबर को मंगलयान ने लाल ग्रह की पहली तस्वीरें भेज दी थी। 19 अक्टूबर को मंगल ग्रह से करीब से गुजरे साइडिंग स्प्रिंग धूमकेतु श्रृंखला को 40 मिनट तक कलर कैमरे में भी कैद किया। धूमकेतु साइडिंग स्प्रिंग से भी खुद को बखूबी बचाया। मंगलयान के जरिए भेजी गई इन तस्वीरों में वो सारी जानकारियां हासिल हुई जिसको लेकर लंबे समय तक लोगों में जिज्ञासाएं रहीं। इन तस्वीरों से मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावनाओं को भी बल मिला है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर इन आंकड़ों से कुछ साइंस करना चाहे तो वो प्रपोजल दे, तो वो अब वो पूरे ही देश में किसी को भी अपॉर्चुनिटी है। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। 1 दिसंबर को ये धरती की कक्षा से बाहर निकला। पिछले साल 24 सितंबर को ये लाल ग्रह के कक्षा में स्थापित हो गया। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत वाले भारत के इस महत्वाकांक्षी मिशन को दुनिया भर में काफी सराहना मिली। टाइम मैगजीन ने भारत के मंगलयान को साल 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया और इसे द सुप्रीम स्पेसक्राफ्ट का नाम भी दिया। मंगलयान की सफलता ने भारत के वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्चस्व बढ़ाया है और ये उम्मीद की जा रही है कि इससे आने वाले समय में भारत के वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ अरुणा ठाकुर।